हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्टी खीर की रेसिपी। तो आपने खीर बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आज हम सिर्फ आधे किलो दूध से रबड़ीदार खीर बनाकर तैयार करने वाले हैं, वो भी प्रेशर कुकर में। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है, तो ये हमारा दूध आधा किलो है और दूध को हमने पहले से ही बॉयल करके नॉर्मल ठंडा कर लिया है। तो सिर्फ आधे किलो दूध से हम बनाने वाले हैं पूरे परिवार के लिए खीर। तो इतना दूध से हमारा जो खीर बनकर तैयार होगा उसमें आप 6 से 7 लोगों को आराम से खिला सकते हैं। तो अब हमने ले लिया है आधे किलो दूध से खीर बनाने के लिए 2 मुट्ठी चावल। जी हाँ, सिर्फ हमें 2 मुट्ठी चावल लेना है। अगर आप 1 किलो दूध से खीर बना रहे हैं तो आप 4 मुट्ठी इस तरीके से चावल ले लें। तो अब हम इस तरीके से एक खल लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा चावल डालकर इसे कूट लेंगे। तो हमें यहाँ पर चावल को कूटकर पाउडर नहीं बनाना है, बस 1 चावल के 2 या 3 टुकड़े करना है। तो इस तरीके से खल में थोड़ा थोड़ा चावल लेकर आप कूट लें, या आप ग्राइंडिंग जार में चावल सारा डालकर ऑन ऑफ करके भी चावल का टुकड़ा कर सकते हैं। तो आपको जैसे आसान लगे वैसे करें। तो इस तरीके से चावल को कूटने से होता क्या है कि जो खीर बनता है वो रबड़ीदार बनता है कम दूध से भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 चावल के 2 या 3 टुकड़े हमारा हो गया है। तो हमें चावल को इतना ही कूटना है कि 1 चावल का 2 या 3 टुकड़ा हो जाए। तो सारे चावल को हमने इसी तरीके से कूट लिया है। तो अब हम चावल को अच्छे से धो लेते हैं कि चावल में जितना गंदा हो वो अच्छे से निकल जाए। तो पहले आप ग्राइंडिंग जार में या खल में कूटकर चावल का टुकड़ा कर ले, उसके बाद इसे धोएं। तो चावल को हमने यहाँ पर अच्छे से धो लिया है। तो अब हम चलते हैं खीर बनाने के प्रोसेस पर। तो गैस पर रखेंगे एक प्रेशर कुकर, इसे गर्म होने देते हैं। तो प्रेशर कुकर यहाँ पर गर्म हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच देसी घी। तो हमें चावल को थोड़ा सा भूनना है, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा घी डाल रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि चावल भूनने के लिए घी या ऑयल ज़्यादा ना यूज करें, नहीं तो खीर में जो है वो स्मेल आ जाएगा। तो थोड़ा सा घी डालकर इस तरीके से हम चावल को भून लेते हैं। इससे क्या होगा कि दूध डालने के बाद एक दूसरे में चावल एक भी नहीं चिपकेगा। तो 2 से 3 सेकंड तक हाई फ्लेम पे इसे चलाते हुए इस तरीके से भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का अगर आपको खीर का रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो हाई फ्लेम पे हमने चावल को 2 से 3 सेकंड तक अच्छे से भून लिया है। तो आप देख सकते हैं चावल हमारा एक दूसरे में एक भी नहीं चिपका है। तो अब हम यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम यहाँ पर दूध डालेंगे चावल को अच्छे से पकने के लिए। तो प्रेशर कुकर में आप अगर खीर बना रहे हैं तो चावल को पकने भर ही इसमें दूध डालें। अगर ज़्यादा दूध डालेंगे तो प्रेशर कुकर से बाहर निकल जाता है, तो उससे दूध बहुत वेस्ट हो जाता है। तो हमने अच्छे से चावल को मिक्स कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी तक इसे पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो अब हम एक लेंगे ग्राइंडिंग जार, उसमें डालेंगे कुछ मखाने और हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा काजू। तो आप चाहें तो यहाँ पर 1 घंटा बादाम को फूलने के लिए रख दें, उससे इसका छिलका हट जाएगा, अगर आपको छिलका हटा के बादाम का डालना है तब। अब हम इसमें डालेंगे उसी दूध में से थोड़ा सा इसमें दूध, क्योंकि हमें इसका पेस्ट तैयार करना है, तो थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे। तो खीर को रबड़ीदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर और इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को पीस कर डालने से खीर जो है हमारा कम दूध में भी रबड़ीदार बनकर तैयार होगा। तो सारी चीज़ों को हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पीस लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो इसे रख देते हैं साइड में और हमने 2 सीटी तक खीर को पका लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने कम दूध डाला था, फिर भी थोड़ा सा दूध ऊपर से निकला है। तो आप बहुत कम दूध यूज़ करें। तो आप यहाँ पर बस इस बात का ध्यान रखें कि हमें चावल को जितना पकाना है बस उतना ही दूध डालना है। तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। तो प्रेशर कुकर हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि चावल हमारा अच्छे से पका है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं चावल हमारा एकदम अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें जो 1 कप दूध बचा है वो सारा इसमें डालेंगे। तो जो भी दूध हमारा आधा किलो में बचा है वो सारा दूध अभी इसमें डाल देते हैं। और आप इस बात का ध्यान रखें कि दूध को हमें पहले से ही बॉयल करके रख लेना है। तो यहाँ पर अगर आप कच्चा दूध डालिएगा तो उससे टेस्ट अच्छा नहीं आ पाएगा खीर का। तो सारा दूध डालने के बाद हम पके हुए चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स का हमने पेस्ट बनाया था
वो सारा इसमें डालेंगे। तो सारा ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे छोटी कटोरी से एक कटोरी मलाई। तो हमने यहाँ पर मलाई दूसरा नहीं यूज़ किया था, जब हमने दूध को बॉयल किया था तो उसे ठंडा होने के बाद उसमें का मलाई निकाल लिया था इस तरीके से। तो मलाई को यहाँ पर खीर में डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर ले और इसमें एक बॉयल आने दें। तो मीडियम फ्लेम पे एक बॉयल आ गया है खीर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स में मिल्क पाउडर भी मिलाया था, तो मिल्क पाउडर बहुत हल्का होता है तो वो नीचे जाकर बहुत जल्दी चिपक जाएगा। और फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। तो आप इस तरीके से खीर को लगातार मिक्स करते रहें, इसे बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि मिल्क पाउडर हल्का होता है तो वो नीचे जाकर चिपक जाएगा, तो खीर हमारा थोड़ा बहुत जल सकता है। तो यहाँ पर आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हमने खीर को एक मिनट तक पका लिया है। तो आप देख सकते हैं दूध का जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है इसमें से। तो अब हम इसमें डालेंगे मीठा के लिए चीनी। तो चीनी हमें लास्ट में यूज करना है, आप चीनी का क्वांटिटी अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद हाई फ्लेम पे इसमें एक बॉयल आने देते हैं खीर में। तो आप यहाँ पर चलाते हुए खीर में बॉयल आने दें, क्योंकि चीनी डालने के बाद खीर चिपकना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आप इस तरीके से चलाते हुए चीनी को अच्छे से मेल्ट होने दें और खीर में एक बॉयल आने दें। तो आप देख सकते हैं खीर में एक बॉयल आ गया है। तो अभी हमारा जो खीर है वो थोड़ा सा पतला है, लेकिन हम यहाँ पर अभी ही गैस को बंद करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद जो खीर है वो और थिक होगा। तो यहाँ पर हम गैस को अब बंद कर देते हैं और खीर को 5 से 7 मिनट तक अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो 5 से 7 मिनट हो गया है, तो आप देख सकते हैं खीर हमारा अच्छे से थिक हो गया है। तो जैसा कंसिस्टेंसी खीर का होना चाहिए वैसा हो गया है। अगर आपका खीर यहाँ पर ज़्यादा थिक हो जा रहा है तो आप इसमें गर्म दूध थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करते टाइम आप खीर का टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम रबड़ीदार बनकर तैयार हुआ है। तो दूध का क्वांटिटी अगर आपके घरों में कम हो और खीर बनाने का मन हो तो आप इसी तरीके से खीर बनाएं। तो बस यहाँ पर आपको ट्रिक एक लगाना है कि ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर पेस्ट बनाकर डालने से जो खीर है वो आप देख सकते हैं एकदम रबड़ीदार बनकर तैयार हुआ है। तो सर्व करते टाइम अब हम इस पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको खीर का टेक्सचर दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना रबड़ीदार खीर हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आज का आपको खीर का रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।